हेलो एवरीवन, एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। इसमें क्या आपको फिगर गिवन है और फिगर में आपको बेटा ये देखिएगा, इस तरीके से एक लाइन दी हुई है और यहाँ से भी एक लाइन ऐसे दी हुई है और इस तरीके से आपको एक ट्राइंगल बना के दिया हुआ है। ठीक है बेटा, ये है फिगर आपका बुक में 6.39। यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है ये आपको टी गिवन है। इसे क्यों बोला गया है, इसको आर बोला गया है, ये P है और ये S है। ठीक है बेटा, यहाँ पर आपको ये एंगल गिवन है 135 डिग्री। ओके बेटा, और ये वाला एंगल गिवन है 110। ठीक है, आप ऐसा करते हैं कि गिवन में लिख लेते हैं कि हमने आपको बताया है कि आप जब भी लाइन्स एंड एंगल और ट्रायंगल का सॉल्व करते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन आपको गिवन है उसको आपको लिख लेना है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर आपको एंगल जो है, एंगल SPR जो है वो दिया है 135 डिग्री एंड एंगल, एक एंगल और दिया हुआ है जिसका नाम है PQT इज इक्वल टू बेटा आपके पास है 110 डिग्री। ठीक है, इसमें आप लोगों को क्या करना है, टू फाइंड, क्या फाइंड करना है ये अब हमें देखना होगा। ठीक है बेटा, इसमें हमें फाइंड करना है एंगल PRO, PRQ निकालना है, ओ नहीं है, क्यों नहीं है, तो PRQ की वैल्यू निकालना है। आप सिंपली देखिएगा ये एक ट्रायंगल बना हुआ है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ट्रायंगल के बारे में समझा देता हूँ। देखिए बेटा, आपका सपोज करिए ये एक ट्रायंगल है, सपोज करते हैं हम बनाते हैं ट्रायंगल, ये हमारा एक ट्रायंगल हुआ, इसके तीन एंगल हैं, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है। ठीक है, अगर मैं थोड़ी देर के लिए इस एंगल को ए, इसको बी और इसको सी मानता हूँ, तो आप मुझे बताइए यदि मैं एंगल ए को, एंगल बी को, एंगल सी को जोड़ूंगा तो टोटल कितना आएगा, 180। कितना आएगा, 180। मैंने आपके थ्योरम भी कराई हुई है, एक ट्रायंगल के तीन एंगलों को अगर हम सम करते हैं तो वो 180 डिग्री आता है। ठीक है बेटा, अब सपोज करिए आपके पास ए की वैल्यू है 60 डिग्री। ठीक है बेटा, बी की वैल्यू आपके पास नहीं है, सी की वैल्यू नहीं है और ये हमें पता है कि अलग अलग वैल्यू है, तो आप यहाँ से जो है सी और बी की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, अगर आपको सपोज करो बी गिवन है, बी आपको दिया हुआ है 30 डिग्री, तो आप 100% सी की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि आप इन दोनों का ऐड करेंगे जो कि 90 हो जाएगा, उधर जाके माइनस करेंगे तो आपका आंसर 90 आ जाएगा। ठीक है, और अगर ये 50 गिवन है आप लोगों को, तो 60+50 इज इक्वल टू, मतलब आप दोनों से ऐड करेंगे तो 110 हो जाएगा, इधर जाके इसे माइनस करेंगे तो क्या बचेगा आपके पास, तो सी की वैल्यू आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा आप लोगों को, तो माइनस का यहाँ हो जाएगा 110 और सी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 70 डिग्री। समझ में आया, मीन्स यदि एक ट्रायंगल के दो एंगल आपको पता हो और आपको तीसरा निकालना हो, ठीक है, तो उन दोनों को ऐड करके 180 डिग्री में से घटा देते हैं और आपका आंसर आ जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको थोड़ा बहुत समझ में जरूर आया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें हम देखेंगे अभी थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। एक चीज आपने जरूर पढ़ी होगी बेटा, मुझे बताइएगा पहले आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा था कॉन्सेप्ट। आपके पास सपोज करिएगा एक इस तरीके से लाइन दी हुई है, ठीक है बेटा, और ऐसे दिया हुआ है, तो बताइए अब ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है बेटा, अब हमें ये एंगल 70 पता है, तो ये अपना भी कितना हो जाएगा, 110 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप थोड़ी देर के लिए सपोज करिएगा हमारे पास जो है ये पूरा ट्रायंगल नहीं है, हमारे पास ये देखो ये एक लाइन जा रही है सीधी स्ट्रेट, तो ये बताइए मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर मैं ऐड करूँगा तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ट्रायंगल के बनिस्पत यहाँ पे आएगा सॉल्यूशन, यहाँ पर आप लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन में क्या करना है, पहले आपको ये समझ लेना है हमारे पास जो है, देखिए लेयर पे बनेगा PQT, क्या बनेगा बेटा एंगल PQT प्लस एंगल कौन सा लेंगे PQR, क्या लेंगे बेटा एंगल PQR इज इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री। क्या बन रहा है ये, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। आप ये क्वेश्चन जरूर पूछेंगे कि सर इसकी क्या जरूरत है निकालने की, देखिए बेटा एक बार ध्यान से सुनिएगा, हमें निकालना है एंगल PRQ। ठीक है, R कहाँ है, यहाँ पर, मीन्स हमें ये वाला एंगल निकालना है। ठीक है, अब ये एंगल निकालने के लिए आप देखिए, अगर ये मैं ना लूँ, इन दोनों को मैं यहाँ से हटा दूँ, इसको भी मैं यहाँ से हटा दूँ, तो ट्रायंगल बन जाएगा। तो अगर इस ट्रायंगल का मुझे ये वाला एंगल पता हो, है ना बेटा, और ये वाला एंगल पता हो, तो इन दोनों को मैं ऐड करके
180 में से अगर माइनस करूंगा तो क्या मेरे पास ये वाला एंगल नहीं निकल जाएगा? बिल्कुल निकल जाएगा। तो ये मैं आपको समझा रहा था कि हमारे पास जो है पी क्यू टी भी दिया हुआ है, ठीक है, और पी क्यू आर हम यहां से निकाल लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें गिवन है। तो यहां पर मैं लिखूंगा 110 प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू होगा 180, ठीक है। अब मैं इसको इधर लेके क्या कर दूंगा, माइनस का कर दूंगा, और हमारे पास जो है पी क्यू आर इज इक्वल टू होगा 180 माइनस 110, ठीक है। तो कुल मिला के आपके पास जो पी क्यू आर है उसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी, बताइए। ये वैल्यू हमारे पास होगी बेटा पी क्यू आर हमारे पास होगा 70 डिग्री, ठीक है, मीन्स ये एंगल हमारा 70 आ गया। अब ये वाला निकालना है तो ये भी सेवन से निकल जाएगा, निकल जाएगा, देखो निकल के है बेटा, तो ये दोनों भी 180 होंगे। इसी प्रकार से सिमिलरली आप देख सकते हैं कि आर पी एस यहाँ पर क्या दिया था आप लोगों को, एस पी आर दिया हुआ था, एक ही बात है, एस पी आर लिख लो या आर पी एस लिख लो, ठीक है बेटा, पी बीच में रहना चाहिए, जहां पर एंगल बनता हो बीच में होना चाहिए। तो एस पी आर प्लस आप कौन सा लेंगे बेटा एंगल, एक ही, एक ही वाला लेना, ठीक है, इसको क्या लिख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं क्यू पी आर, क्या लिख लेते हैं बेटा क्यू पी आर, पी बीच में रहना चाहिए, ठीक है। तो टोटल कितना होगा 180 डिग्री। ये भी क्यों हो रहा है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल की वजह से ऐसा हो रहा है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा। और इसकी वैल्यू आपको 135 डिग्री गिवन है, प्लस क्यू पी आर इज इक्वल टू हो जाएगा 180, इधर जाके क्या हो जाएगा बेटा आपका माइनस, तो आपका जो क्यू पी आर है वो होगा 180 माइनस 1350। टोटल मुझे बताइए कितना बचेगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास बचेगा 45 डिग्री, ठीक है। अब आपके पास सुन लीजिएगा ध्यान से, ये वाला एंगल भी आ गया है, इस एंगल की वैल्यू आपने निकाली 70, ये वाला एंगल भी आपने निकाल लिया है, ये वाला, इसकी आई है 45 वैल्यू। अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है बेटा, सपोज करिए मैंने इसको यहाँ से हटा दिया, तो क्या अब आप लोग जो है ये वाला एंगल नहीं निकाल सकते, 100% ये वाला एंगल आपका निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, अब आप जो है शुरुआत में आ जाइएगा, हमें एंगल निकालना है कौन सा वाला बेटा, पी आर क्यू निकालना है, ठीक है। तो पहले जो निकालना उसको मैं लिख लेता हूँ, तो हमारे पास एंगल, अब ऐसे लिखना, पहले ट्राइंगल लेना, इन ट्राइंगल क्या नाम है इसका, पी क्यू आर, ट्राइंगल पी क्यू आर में हमारे पास जो है एक एंगल जिसे हमें निकालना है उसकी वैल्यू है पी आर क्यू, हमें क्या निकालना बेटा पी आर क्यू। एक एंगल हमारे पास ऑलरेडी गिवन है 45 डिग्री और एक एंगल और गिवन है वो है 70 डिग्री, इज इक्वल टू क्या होगा 180, क्योंकि एक ट्रायंगल में तीन एंगल होते हैं, यदि हम उनका सम कर देते हैं तो 180 डिग्री हो जाता है। तो एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू होगा 180 माइनस ये कितना हो रहा है आपका 115, है ना बेटा। आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा 65 डिग्री। बताइए समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। बस आपको ये ध्यान रखना है, ये वाला जो पार्ट दिया हुआ था मीन्स ये दो एंगल जब हम जोड़ेंगे तो 180 होता है, ये गिवन था, ये हमें निकालना था, ठीक है बेटा। उसी प्रकार से उसने यहाँ भी डिनर पेयर बनाया हुआ था ऐसे करके, तो ये दोनों भी डिनर पेयर बनाने थे, ये वाला एंगल आपको गिवन था, ये हमें निकालना था, ठीक है। तो हमें पता 180 होता है, तो अगर आपका 135 अगर माइनस सब्ट्रैक्ट हो भी गया है तो फिर भी आपके पास कितना बच जाएगा 45 बच जाएगा, ठीक है बेटा। इस तरीके से आप लोग जो है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, वॉच दिस वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर।